रोक 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 इसके टायर मुड़वा दो। भाई इतना बड़ा है, निकल नहीं पा रहा यहां से। इधर को काटो, इधर को। हाँ भाई आगे लो, आगे। अब हेलो भाई, आगे लो आगे इसको। भाई 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 भाई, 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 भाई कर दिया कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। हैंड ब्रेक में छुटा रखी क्या? अरे इसका तो टायर भी वो है कंपैन वाले, इसका तो पिंचर भी जुड़ेगा 1000 रुपए में। अगले 12 के हैं, पिछले 18 के हैं। अगले 12 के टायर हैं। हाँ। अगले 12 के जो उसमें आते हैं 275 वही है क्या? हाँ हाँ वही है। वो तो नहीं होंगे यार, वही है। उसमें थोड़ा पतला हो देते हैं, मगर ये इनकी चढ़ाई ज्यादा रहती है। उसकी हाइट ज्यादा रहती है टायरों की। हाँ। इनकी हाइट कम है लेकिन टायर 12 के हैं, पीछे वाले भाई हैं 18 के। तो ऐसे भाई ट्रैक्टर को खरीदने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम का क्या सोर्स है मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे भाई मेरे को कमेंट में पूछते हैं कभी कभी हम अपने एक काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ पर्सनली IQ ऑप्शन। IQ ऑप्शन के गूगल प्ले स्टोर पे 50 मिलियन से प्लस यूजर्स हैं और मैंने इसका न्यूज़पेपर में भी काफी अच्छे इसके रिव्यूज देखे थे। ये दोस्तों एक ट्रेडिंग ऐप है, इसके बारे में मुझे अपने एक फ्रेंड ने बताया था। उन्होंने बोला था कि इस पे आप शॉर्ट टाइम में ट्रेड करके आप 500 से 1000 रुपए कमा सकते हो। इस पे ट्रेड कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें साइन अप कर लेना। इसमें बहुत सारे एसेट हैं जैसे फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो वगैरह, और इसमें आपको मिलेगा पोर्टफोलियो और मार्केट एनालिसिस, ये मार्केट की न्यूज़ मिलेगी, और इसमें आपको मिलेंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स। ये चल रहा दोस्तों इसमें ग्राफ, ये ग्राफ देख के आपको ये प्रिडिक्ट करना ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे मेरे को लग रहा है ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, तो मैं इस पर पुट पर क्लिक करूँगा और कन्फर्म कर दूँगा। मैंने 50 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब थोड़ा वेट करते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा तेज कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम चल रहा है। ये देखो दोस्तों मेरे को 45.50 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ से दोस्तों आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं UPI Paytm के थ्रू, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें आप पैसे विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन दबाया और ये इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और 24 घंटे के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। देख ले दोस्तों आपने कैसे ट्रेड करना है। मार्केट में IQ ऑप्शन के नाम से काफी ज्यादा फेक ऐप्स हैं, तो आप उनमें अपना पैसा बर्बाद मत करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक से ही आप इसको डाउनलोड करो और ट्रेड करो और अर्न करो अपने पॉकेट मनी। थैंक यू। तो ये है गाइज इसके पापा जी, यानी कि 605 के बड़ा भाई पापा जी बोले 755 महिंद्रा नोवो DI। ये है 75 हॉर्स पावर में। ये ट्रैक्टर आपको मतलब बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा UP में भी और उत्तराखंड में भी। ओनली ये अभी काशीपुर में खड़ा है उत्तराखंड में। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या पर्पस है इसको इतना बड़ा ट्रैक्टर लेने का, और क्या इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, कितने प्राइस का है, क्या इसकी डीजल एवरेज है। आइए जानते हैं मिस्टर दयाल गंधार जी जो कि महिंद्रा से हैं, टेरिटरी मैनेजर। वेलकम है सर आपका हमारे चैनल में।
तो बताओ सर, 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को लेने का क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है किसान? सबसे बड़ी चीज तो यूज है। अगर आप जो है 13.5-14 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो नो डाउट आपके पास में कोई बड़ा काम होगा। जैसे जेसीबी 75 HP की आपकी होती है, उसका यूज है। उसी तरह से इसका भी खेती में काफी यूज है। जैसे किसी ने अगर मतलब 3 बॉटम या 4 बॉटम रिवर्सिबल एमी प्लाव हो गया, या आपने पंजाब में देखा होगा ना आजकल क्या है कि पावर हैरो चल रही है बहुत बड़ी बड़ी, उनमें लगातार मतलब देखा होगा आपने 36-36-40-40 पीछे तवियां बोलते हैं उनको, हैरो वगैरह होती है उसमें इसका यूज होता है। दूसरा फिर क्या, कोई भी चीज हैवी चीज होगी, जैसे आपको सबसॉइलर है, डबल सबसॉइलर आप चला रहे हो तो उसमें आपको 75 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में कुछ कमर्शियल पर्पज हो गया, जैसे लोगों को ने ग्राइंडर यूज करना है, या आपने आगे डोजर लगाना है, या आपने बैकहो लगानी है, उसमें ये यूज होता है, लेबलर में ये यूज होता है। तो बेसिकली क्या है कि वो तो बताते बंदे ही हमें कैसा हमें 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चाहिए। बड़ा तो हमारे पास में ये रेंज सारी है, मतलब मैं आपको 15 हॉर्स पावर से लेकर 75 हॉर्स पावर तक कोई भी ट्रैक्टर दे सकता हूँ। अगले टायर आपको मिलते हैं 12-4-24 के, जो कि काफी ज्यादा छोटे लगते हैं। अच्छा सर, जो अपने 2075 वगैरह में 265 12 के जो टायर आते हैं वो नहीं है ना ये? नहीं, 12-4-28 होता है वो 12-4-28 12-4-24 मतलब इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है ना। हाँ। ये हाइट में थोड़े कम है, बाकी चौड़ाई इनकी सेम ही मान लो आप। और इधर इसका बैटरी बॉक्स, ये इसकी अलग से लुक लगा रखी है, अलग से मतलब 605 में ये चीज नहीं है। और इसके 18 के टायर है, 18-4-30 के कंपेन वाले टायर है भाई इसके। पीछे से देखो आप तो इसको, आप देखो थोड़े गौर से, यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा सा लगता है ना ये डिफरेंशियल से बीच से, और ये इतना नहीं लगता। ये सेम ही है सर इसका, लव सेम है, सिर्फ इसका फर्क है ऑक्सिलरी वाल्व को। ऑक्सिलरी वाल्व अच्छा, इसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं। ठीक है ठीक। और इसकी सर लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी सेम ही है 2500। इसकी ज्यादा नहीं होगी सर? नहीं नहीं सेम। एक्चुअली क्या है ना, उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है, लिफ्टिंग कैपेसिटी के पीछे बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका जो ऑयल का फ्लो है वो कितना है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 45 लीटर पर मिनट, ये हमारा 605 का है, सेम इसका है। दूसरा लिफ्टिंग कैपेसिटी को जो चीज इफेक्ट करती है वो होता है आपका रैम सिलेंडर। रैम सिलेंडर जो है वो कितना बड़ा है, रैम सिलेंडर का बेसिकली बोर कितना है, स्टॉक क्या है। अच्छा, तो दोनों में सेम ही है। अच्छा हाँ, तो 2500 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी है, 2500 इसकी है। अब एक चीज और भी है ना, मैं लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दूं, आप मुझे काम तो बताओ, आपने 2500 केजी क्या उठाना है इसमें? क्योंकि आप सबसे महंगा आज के डेट सबसे भारी क्या होता है, कई बार सर क्या ट्राली उठानी पड़ जाती है ना, इसकी नहीं जरूरत पड़ती इसमें। नहीं, जैसे ट्राली उठानी पड़ जाती है, उठानी है, कोई ट्राली नीची है, उसकी हुक आ नहीं रही, बहुत सी ऐसी जरूरतें होती हैं जो उसमें रफ यूज में ले लेते हैं। यकीन मानिए 2500 केजी सफिशिएंट। मैं नहीं मानता, मेरे को 10 साल हो गए ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, आज महिंद्रा में, उससे पहले और कंपनियों में था, मैं प्रोडक्शन में रहा हूं, मैंने कैटरपिलर में काम किया है, मैं हाईटेक गियर्स में था, तो मैं नहीं मानता 2500 केजी की जरूरत पड़ती है फार्मर को आमतौर। इसका नंबर प्लेट का यहाँ दे रखा है सिस्टम, ये यहाँ पे क्या इसका टूल बॉक्स, कुछ अपना कुछ सामान वगैरह कुछ रखना होगा आपने। अच्छा, टूल बॉक्स इधर लगा रखा है, टूल बॉक्स। इसकी SFC 200 है और PTU पावर इसकी 66 है, 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होने के बावजूद, मतलब 200 इसकी मैक्सिमम है। और इसकी SFC जो है 187 है और PTU पावर 50 है, कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो यानी कि ये जो ट्रैक्टर है वो 1 हॉर्स पावर में 1 घंटे में 200 ml डीजल खाएगा, SFC इसकी 200 है। और इसमें DC का करंट लेने का यहाँ से दे रखा है, ये एक रॉड आ रखी है यहाँ पे, इसका गियर PTU गियर है, ये रिवर्स फॉरवर्ड है ना शायद, देखना पड़ेगा, चलो ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी ये सर इसकी बहुत ज्यादा मजबूत दे रखे हैं लिंक, हाँ, इससे थोड़ी हैवी है, इससे हैवी है। देख लो 75 हॉर्स पावर का है, नो डाउट इसके इंप्लीमेंट भी भारी भारी होंगे, भारी भारी होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि अगर 4 बॉटम MV प्लाव की अगर मैं बात करता हूँ जो कि रिवर्सिबल होता है, तो मेरे हिसाब से उसका वेट होना चाहिए 1200-1300 किलो केजी के आसपास। तो अगर उसने काम करना है, प्लस क्या है ना वो रिवर्स घूमता है, वो आप उसमें क्या एक बार चला के ले जाओगे, वहां जाने के बाद में उसे रिवर्स करोगे तो उधर से ट्रैक्टर आएगा तो उल्टा हो घूमता आएगा। आप समझ गए जी? मैं समझ गया जी। और इसमें थोड़ा ये इंडिकेटर का फर्क दे रखा है। ये कलर इसका सर कौन सा वाला है ये बताओ आप? ये कलर इसका मैरून है, मैरून। एक्चुअली क्या है ना, हमने जो ये सीरीज बनाई थी नोवो में, थोड़ा कलर का हमने फर्क किया इसमें, क्योंकि चक्कर क्या था ना कि महंगा ट्रैक्टर है काफी, तो मतलब दूर से वही लग जाता होगा 605 आ रहा है, मतलब एक कलर बहुत फर्क है। हम मतलब अगर वही कर देते तो ऐसा लगता है कि 605 वही आ रहा है, वही आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा अलग सा फील नहीं आता, ये थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा सा प्रीमियम महिंद्रा ने इसका प्रीमियम लुक थोड़ा रखा है, मेहरून कलर। और ये मेहरून भी है ना ऐसा कि इसमें थोड़ी ना शाइनिंग है, लगता है कि आप देखोगे ना दानेदार से इसमें ना थोड़ी शाइनिंग सी है। इधर महिंद्रा की ये लोगो हो गया, ऊपर ये यहाँ पे इनकी जाली दे रखी है,
जो कि उसमें नहीं है ये सिस्टम। ये सिर्फ लुक है मेरे हिसाब से, लुक है कि जाली अंदर कुछ आर पार नहीं है, नहीं हाँ नहीं लुक पर्पस भी है और फिर कुछ जाली भी है दे रखी इन्होंने। ये भी सर फोर सिलेंडर है, ये भी इसमें फोर सिलेंडर मैकेनिकल बोश का पंप है, इनलाइन। ये टर्बो चार्जर है, ये टर्बो है जी जी जी। अच्छा, मुझे आवाज से लग रहा था 5 हॉर्स पावर टर्बो है, यानी कि टर्बो लगाने के बाद 75 हॉर्स पावर बनी है इसकी या जी। अच्छा, टर्बो लगाने के बाद ना 75 बनी है। हाँ, बेसिकली मैं आपको टर्बो बता दूं, जो टर्बो चार्जर होते हैं वो लोअर एचपी में कामयाब नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट महिंद्रा ने काफी टाइम पहले करके देखा था, 275 टर्बो निकाला था हमने, 295 टर्बो निकाला, 595 टर्बो निकाला, तो लेकिन टर्बो कामयाब नहीं है लोअर एचपी में। अगर आपको टर्बो का स्वाद चाहिए तो 50 एचपी से ऊपर होनी चाहिए कम से कम, मेरा मानना है 60 हॉर्स पावर से ऊपर, 60 से ऊपर हो, 60 हॉर्स पावर से ऊपर होगा तो टर्बो का मजा है, टर्बो का मजा बिल्कुल नहीं। तो इसमें कोई मतलब नहीं छोटे ट्रैक्टर में टर्बो लगा दिया, क्योंकि वो बेसिकली नाम का टर्बो होता है। यहाँ पे इसकी क्रोम में लिख रखा है नोवो 755 DI, ऐसे करके लाइन सी मार रखी है। देखो एक गौर करिएगा, इस पे एक चीज लिखी हुई है डीजी सेंस। ये डीजी सेंस पूछने वाला ही था जी, क्या है ये? ये बहुत बड़ी चीज का बताऊंगा मैं आपको। डीजी सेंस क्या है? एक तरह से हम आपको ट्रैकर दे रहे हैं ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैकर। ट्रैक्टर का जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है जो हम छुपा के रखते हैं इसमें, उसमें बाकायदा सिम लगती है, उसका नेटवर्क होता है। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें आपका इंजन स्टार्ट किया आपके पास मैसेज आ जाएगा, प्रोडक्ट लिंक है एक टाइप, बिल्कुल तुरंत मैसेज आ जाएगा, लाइव लिंक है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, बंद है या चल रहा है, काम कर रहा है, गर्म तो नहीं हो रहा, अगर आपके ड्राइवर डीजल कितना है, हाँ सब कुछ, फ्यूल कितना है, ड्राइवर ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल मतलब क्लच को गलत यूज कर दिया, क्लच गर्म हो गया हो, हर चीज का सर्विस वगैरह सब कुछ, मतलब ये समझ के देखिए कि आप मतलब यहाँ बैठे हैं, ट्रैक्टर आपका खेत में चल रहा है, आपको पता है आपका ट्रैक्टर 4 घंटे चल चुका है, मतलब जैसे मशीन में आता है, ट्रैक्टर ने 4 हेक्टेयर या 4 एकड़ जमीन जोत दी है, आपको पता चल जाएगा। 6 महीने तक इसका डाटा रहता है, आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। इसका सर क्या चार्ज है अलग से? कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब जैसे इसका चार्ज खत्म हो जाए, चाहते हो पहली बात तो अदर कोई कंपनी आपको देगी नहीं, क्योंकि ये हमारा खुद का है, ये हमने मतलब अपना पैट करा रखा है, हमारा पैट है ये। दूसरा, अगर आप हमसे ही लोगे तो डीजी सेंस में आपको जो है तकरीबन 5.5 से लेकर 6 हजार रुपए प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जो कहने का मतलब मेरा ये था कि ये इस फीचर इसमें नहीं है ना, इनमें नहीं, लग सकता है अलग से, लग सकता है हाँ। अच्छा, ये टूल बॉक्स किट का इधर भी है, लोहे वाला जैसा उसमें है ना, वैसे ही सेम इसमें भी है। सलफ इसके जितने बड़े इंजन होते जाते हैं उतने मुझे लग रहा है छोटे होते जाते हैं ना सलफ जी। ये इसका इधर डीजल फिल्टर सर एक ही है क्या इसमें? डीजल फिल्टर इसमें एक ही है। ऐसा क्या लगा रखा है एक में जो दो नहीं लिए? मतलब बेसिकली क्या कंपनी ये देखती है कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। देखिए डबल लगाने का मतलब क्या है, हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम 5 भी लगा देंगे। अगर कोई काम एक से हो रहा है तो फिर जब डबल, मतलब कहने का मतलब मेरा ये था जैसे कि बड़ा इंजन हुआ फिर फिल्टर एक कर दिया, थोड़ा इसमें और मॉडिफिकेशन करी होगी और अच्छी क्वालिटी का बनाया होगा फिल्टर, कहने का मतलब आप ये मान के चलिए कि हम कोशिश ये करते हैं कि फिल्टर तक तो गंदगी पहुंचे ही। मैं लास्ट टाइम आपसे बताया था सेंट्रिफ्यूज फिल्टर लगा हुआ है, वो क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था ना, फिल्टर गंदा हुई ना। और इसके अलग से ना, यहाँ से अलग से इसका एंगल लगा के ना, और इसमें ये पायदान इसका लगा रखा है, हाँ थोड़ा अलग से ना, थोड़ी और सॉलिड की है, अच्छी लुक सी आ रही है। देखो तो ये जो सेंसर है ना भाई लगा हुआ यहाँ पे, ये लगा हुआ है इसको जब जैसे हम इसके डबल क्लच को एंगेज करते हैं ना, वहाँ पे ऊपर लाइट आएगी बताएगी कि हाँ पीटीओ अपना एंगेज है, ये चीज है ना। हाँ बिल्कुल, पीटीओ का अगर आप एंगेज और डिसएंगेज करते हो तो उसकी मतलब एक्चुअली क्या ना, ये जो ट्रैक्टर है इसमें हर चीज में सेंसर लगा हुआ है, आपने पीटीओ लगाया आपको पता चल जाएगा या पीटीओ एंगेज है आपका, पीटीओ हटाओगे डिसएंगेज है आपका। जैसे कभी कभार धोखे से लगा रह जाए वो ही है, फीचर में आ गया है, कुछ आपको जानकारी है। जैसे मान के चलिए आप कुछ लोगों के हाथ है कि भैया वो ट्रैक्टर चलाते टाइम ना क्लच पे पैर रख के चलता है, वो भी आ जाएगा, उसका भी सेंस करता है यहाँ पर। बाकी ये जो होता है इसका रिवर्स फॉरवर्ड वाला गियर, ये इसमें भी है, और यहाँ से जैसे हम दबाते हैं ना, ये देखो ये घूम रहा है ना, ये रोड घूम रही है, इस पे आप फोकस करो, ये चीज रोड आ रही है यहाँ पे आके, और यहाँ से इसका जो है मूवमेंट है अंदर ट्रांसमिशन में। ये अपना पैर वाला क्लच हो गया और ये इसका पीटीओ का क्लच। यहाँ से इसकी टीवी दे रखी है बंद करने के लिए डीजल अगर आप बंद करना चाहें। इधर इसका फ्यूज बॉक्स हो गया, इसका भी डबल साइडेड है स्टीयरिंग सिलेंडर। इधर इसके नीचे फोर व्हील वाली शाफ्ट है, नीचे ऊपर इसके कवर प्लेट है, बीच में इसका बैरिंग हो गया। बाकी वो जो सेंसर है इसका वही है, 4x4 लगने के बाद में वो साइन आएगा, जैसे छोटे छोटे इसमें ये सेंसर लगा रखे हैं ताकि MID पे पता लगता रहे आपको ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे इस पर चढ़ने के लिए सपोर्ट दे रखी है इसमें, तो ये सेम ना इसके इंडिकेटर चेंज है। देखो आप ये पास में खड़े हैं तो सही से पता लग रहा है,
इसमें थोड़े चेंज है, इसके ऊपर काला सा कवर है। भाई आपको मैं इसकी हाइट की बात करूँ ना, इसको बंद करना, मेरे पीछे इधर खड़ा है देखो 605, अब 605 है मेरी, 5'6" हाइट है, तो मेरे सिर से यहाँ पे मतलब आ रहा है देखो, देख लिया। अब भाई ये ट्रैक्टर देखो, अरे मैं 6 फीट का हूँ, 755 मेरे सिर पे आ रहा है, 5.6 इंच की इसकी यहाँ की हाइट है, बोनेट की बराबर ही है, थोड़ी बहुत कम होगी बस, बहुत ज्यादा हाइट है यार, पूरा बल्की बल्की सा लुक है। लेकिन सर यार एक मेरे को डिसएडवांटेज लगता है यार, जो इतना बड़े कंपनी पैसे खर्चवा रही है ये चीज, सर कम से कम एक छोटी सी मोटर लगा दे, चाबी से बंद होने वाला सिस्टम लगा दे वहाँ पे, मैकेनिकल पंप में भी लग जाता है चाबी से, जो इंजन बंद हो अपना उसका एक अलग ही फील है चाबी से बंद हो गया। लेकिन ये चोक खींच के बंद करना ना पता, अब इससे ऊपर तो कोई ट्रैक्टर है नहीं महिंद्रा का, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताओ, अच्छा जवाब आपके पास हर चीज का जी, बेसिकली क्या है कि आपके पास इंजन होगा घर पे, वो वाला इंजन दो हाँ पंपी सेट, हाँ बताओ, हाँ लिस्टर कह लो, उसकी बात छोड़ो ना सर जी, करते हो ना भाई, ये मशीन है, हाँ ऑटोमोबाइल नहीं, मशीन को ऐसे ही बंद करोगे वो मैं सारा कुछ इसमें कर दूंगा, तो इसमें फिर थोड़ा गियर की सेटिंग और कर दूं तो फिर तो ये जहाज बन गया। ये छोटा सा एक फीचर है, आप इसको Actually, थोड़ा सा मानो मेरी भी आप बात, आपकी मैं इतनी मान रहा हूँ। वर्ल्ड के अंदर कोई भी ट्रैक्टर मुझे बता दो, अब मैं बहुत बड़े ट्रैक्टरों की बात नहीं कर रहा, जो 300 या 400 या 250 200 या 150 के ऊपर, 120 हॉर्स पावर तक की मेरी गारंटी है, 120 हॉर्स पावर तक का कोई भी ट्रैक्टर मुझे बंद बता दो जो बिना ऐसे मतलब बंद होता हो, जो आप बंद करने की बात, कोई नहीं होता। होता है सर, इंडिया में, अरे सर इंडिया में होते हैं, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर चाबी से बंद होता है, जॉन डियर चाबी से बंद होता है, न्यू हॉलैंड नहीं नहीं कैसे बात कर रहे हो, न्यू हॉलैंड कौन सा, कोई सा भी ले लो 36-30 ले लो, कैसे स्टार्ट हो गया ये भाई इधर, 36 चाबी से बंद होता है, चाबी से बंद होता है नहीं यार, चाबी से बंद होता है सर, रोटरी पंप है उसमें, वो है लग रहा है उसमें सोलेनोइड लग रही है, इनलाइन पंप है ना, इनलाइन नहीं है रोटरी पंप है, इनलाइन पंप की बात करो सर, रोटरी महिंद्रा रोटरी नहीं चलाएगी, महिंद्रा में रोटरी पंप नहीं है, रोटरी चलाएगी नहीं भाई, कहने का मतलब मेरा वही है जैसे कि रोटरी पंप में तो सोलेनोइड बंद कर दिए, चाबी से बंद हो गया, करंट खत्म, इंजन बंद, इंजन बंद, जैसे इसमें अगर छोटी सी अगर मोटर लगा दे पंप, वहाँ पे पंप की जैसे वहाँ लग रही है उसमें पंप, वो बताने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 अप्रैल को दे दूंगा। अच्छा अच्छा, कुछ बड़ा ही सरप्राइज है, बता तो रहा हूँ, दे दूंगा अभी रहने दो, इनलाइन पंप में बात सुनो, इनलाइन पंप में बहुत सारी टेक्निकली दिक्कतें हैं, जिन कंपनियों ने कर भी दिया है नहीं, वो सक्सेस नहीं, पंप की बात ही छोड़ो, मैं खाली बंद करने कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या होता है ना जैसे मैकेनिकल पंप में क्या होता है, जैसे परेशानी आती है समझ ही, इनलाइन पंप में ना जैसे अगर छोटी मोटर लग जाए ना चौक के पास, तो वो बंद हो सकता है वहाँ से, बस इतना है, अच्छा तो सर एक बात बताऊं आपको, अच्छा तो सर गियर साइड गियर शिफ्टिंग से ना ज्यादातर जो है कई किसानों की पसंद है, जो यहाँ पे जो है ना गियर चेंज करने वाला सिस्टम वो अच्छा लगता है, बता रहा हूँ जैसे आप जाओ कहीं से निकल के जाओ, रिमोट दे रहा हूँ आपको, लाइटिंग का, अच्छा लाइट हमारा, अच्छा ये रिमोट है, स्टार्ट होगा इससे, लाइट वगैरह सब चलेगी भाई, इसका कुछ इस तरीके का रिमोट जिसे लाइट वगैरह चला के आप पता कर सकते हैं, और उस पर टेप वेप लगा रखे, अच्छा हजार लाइट भी जला सकते हैं, अच्छा वो जलने लगी भाई देखो, हजार लाइट ये बंद हो गया, और ये इसकी पार्किंग लाइट हो गई देखो, ये जल गई, आगे की जल गई लाइट, जल गई ना, हाँ अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, ऐसे रिमोट से और स्टार्ट करने वाला रहता तो मज़ा आ जाता ये भाई पीछे लाइट, ये एक्सीलेटर हो गया, बाकी सब कुछ जो ठीक ही है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो, मैंने ड्राइवर लेस ट्रैक्टर तो बनाया हुआ है, महिंद्रा ने 500 रुपए तक ड्राइवर लेस ट्रैक्टर बनाया, वो दिखाओ ना सर कहाँ पे वो, अब ठीक है आएंगे वो धीरे सीडिंग में चल रहे हैं हमारे, अच्छा बेसिकली क्या है बहुत महंगा ट्रैक्टर है, मतलब 47 हॉर्स पावर ट्रैक्टर कीमत उसकी 11.5-11 लाख रुपए है, बट ड्राइवर लेस है, तो महिंद्रा तो टेक्नोलॉजी के मामले बहुत आगे जाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा हमें समस्या आती है रेट को लेकर, रेट प्राइस को लेकर, क्योंकि इंडिया में सर काम करते हैं तो फिर फार्मर है इनका बजट ऊपर निकल जाता है, वो सर सब चीज की तरफ मैनेज करना पड़ता है ना, ये अपना वही हेडलाइट वगैरह और इंडिकेटर वगैरह हॉर्न वगैरह यहाँ से, और ये रिवर्स फॉरवर्ड गियर यहाँ से, लो हाई मीडियम, और ये इसका हो गया 5 स्पीड ट्रांसमिशन, ये सर इधर क्या दे रखा है, ये तो भाई हो गया इसका लिफ्ट कंट्रोलर, ये सर इधर क्या दे रखा है,
अच्छा अच्छा ये वो है सर, लिफ्ट का वो है ये जैक वाला पीछे का। हाँ मतलब इधर से नीचे इधर से ऊपर, जैसे अगर किसी प्रेशर वाली ट्राली में अगर दो प्रेशर पाइप लग रहे हैं ना जैक में उठाने के और गिराने के भी, तो आप उससे इससे चला सकते हो कोई भी, मतलब अगर आप पीछे इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो तो उसमें अगर जैक में दो पाइप है ना उठाने गिराने के, तो वो सिस्टम है यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इधर क्या सर क्या लगा रहे थे जो लगाना लगाते लगाते भूल गए? अच्छा इसकी सेफ्टी दे रखी है, क्या चीज है सर पीछे? ये नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा ये मत बताओ, ठीक है। वैसे ट्रैक्टर की तरह ना ये यहाँ से ऊपर को ला के ना, ये इनका जो है ये जो ऊपर को ला के और ऐसे करके ऊपर को यहाँ पे कवर दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई देखने में। देखो ना ये चीज स्पेस सी। अच्छा पार्किंग ब्रेक इसकी इधर कर दिया, ये इसका पीटीओ क्लच हो गया। ये भाई हाँ रिवर्स फॉरवर्ड वही है ये पीटीओ, और इसमें भी जो है फोर व्हील ड्राइव यहाँ दे रखी है, और सीट आगे पीछे करने का भी ऑप्शन है। अच्छा ये क्लच हो गया, ब्रेक हो गई। कै रुपये में दे रहे हो ट्रैक्टर ये बताओ आप? फिर सस्ता कितना सस्ता है तो बताओ आपके हिसाब से? सस्ता 13.5 लाख। 13.5 लाख का हमारा? बिल्कुल। सिर्फ बोल देने से या लिख देने से ट्रैक्टर 75 हॉर्स पावर नहीं होता। मतलब मैं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो भैया साहब 50 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, 70 हॉर्स पावर, 80 हॉर्स पावर लिख रहे हैं। अगर आपको इंजन की हॉर्स पावर जाननी है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुछ मत करो, पीटी हॉर्स पावर चेक कर लो। ये 66 का है तो 66 में आप 75 हो सकता है। मतलब 8 से 10 हॉर्स पावर का फर्क पड़ता है पीटीओ में और मैक्सिमम। अब जैसे मेरा ये बगल में खड़ा हुआ है, ये 50 हॉर्स पावर का उसमें पीटीओ है, तो मैं मान सकता हूँ 57 हॉर्स पावर ट्रैक्टर होगा। कंपनी ठीक बोल रही है, ये एक्चुअल 60 है, सॉरी 75 है, मिस्टेक, एक्चुअल 75 है, बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल एक्चुअल। जिस टाइम आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, आप चला के देखोगे, मतलब जिन लोगों ने भी ये यूज किया है मुझसे ये बोला है कि यार कमाल है ट्रैक्टर, नहीं बवाल है। कमाल है ट्रैक्टर, नहीं बवाल है, ये तो राइम हो गया। अच्छा सर क्या इसकी डीजल एवरेज है, जैसे जो जो किसान लोग जो निकालते हैं वो बताओ SFC छोड़ के आप? मैं एक्चुअली होता क्या है कि बंदों का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है। हाँ। ड्राइवर का अलग हिसाब किताब है, इसके बाद में इम्प्लीमेंट का अलग हिसाब किताब है, जमीन का अलग हिसाब किताब है। मैं SFC सेफ एंड साइड लेके चलता हूँ, इसीलिए बार बार SFC करता हूँ। अच्छा क्योंकि वो बोलेंगे सर वो फलाने का ड्राइवर है वो इतना कर रहा है। आप अच्छा समझ रहे बात को? ठीक है। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में लैब रिपोर्ट्स होती है, हम इसलिए कैलकुलेशन में बताते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनो, 75 हॉर्स पावर का कोई भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, उससे ट्रैक्टर कम तेल कम खाएगा। आपके सामने मैंने अभी एक छोटे से ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था, 193 थी उसकी, ये 191 जो भी है SFC, 39 हॉर्स पावर भाई, ये 200 है। ट्रैक्टर तो 75 हॉर्स पावर है। मतलब आप ये मान के चलो कि महिंद्रा में 200 SFC से ऊपर कोई है ही नहीं। और अगर आप मार्केट में जाकर दूसरों को चेक करोगे तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उनके SFC 90 से ऊपर है। कितना कितने की हैरो खींच लेगा भाई? यो मर्जी आप ही खिंचवा के देखो, फिर भी एक अंदाजा हो। एक्चुअली क्या है ना, खींचने के बाद में सब खींचना सब कुछ नहीं होता, आपने क्या है ना रोड में निकलना भी होता है, गांव में जाना भी होता है, आपके गांव में कितना बड़ा रोड है उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं। 10 फीट का रोटावेटर आराम से प्यार मोहब्बत खींचता है, 10 फीट का रोटावेटर ये भी खींचेगा, 10 मीटर का तो ये भी खींचेगा आराम से। और आपके पास सबसे बड़ा रोटावेटर कौन सा है? 10 फीट का है मेरे पास, उससे बड़ा अभी नहीं बनाया महिंद्रा ने। उसकी रीजन है ना जगह खींचने का, तो यार ये 12-13 फुट का भी खींच देगा, लेकिन जगह होनी चाहिए ना। आप मेरे पास, हाँ हाँ, या तो भाई आप बहुत बड़े जमींदार हो, आपके पास में 40-50 एकड़ का एक चक है, आपने ट्रैक्टर लेके कहीं जाना नहीं है, इम्प्लीमेंट लेके कहीं नहीं जाना, वो 10 फीट की 12 फीट आप समझ रहे हो लेके निकलेगा तो गलियों गुलियों में ये चक्कर हो जाता है, कहाँ निकलेगा? बाकी खींच तो लेगा यार, ये मेरे हिसाब से 14-14 की भी है, 28 की तभी खींच लेगा। कल्टीवेटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 से लेके 20 का तो मैंने देखा है इसका, वो फोल्डिंग वाले कल्टीवेटर आते हैं आपस में फोल्ड, जी 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 हाँ, तो वो देखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास सुनो 4x4 है, सिल्पेज की प्रॉब्लम आएगी नहीं, ट्रैक्टर में दबना नहीं है। सिल्प की प्रॉब्लम आती है तो ट्रेल थोड़ा ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है, क्योंकि जो चक्कर उसके बनने हैं और जो उसने में खींचने हैं वो उसके स्लिप कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके स्कॉर्पियो की फंस जाए ना, आप धक्का देकर निकाल लोगे, गियर से नहीं निकाल सकते क्योंकि पावर मिल ही नहीं पाती, टायर को पावर बिल्कुल नहीं मिलती। मतलब 4 आदमी धक्का देके निकाल लोगे आप बाहर, लेकिन अगर उसका टायर स्लिप मार रहा है तो गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें जो महिंद्रा बैको लोडर आ रही है इनकी, उसी का इंजन है आई थिंक, यानी इसका उसमें है या उसका इसमें है, जो भी जैसे भी कह लो, मुझे बैको लोडर का इतना भी जानकारी है नहीं। ये महिंद्रा का इंजन है ना? हाँ महिंद्रा अपना। एक्चुअली क्या है कि अपना क्या है, हम अटैचमेंट ला रहे हैं बैको लोडर का इस ट्रैक्टर में, वो ट्रैक्टर पे लगवाएंगे। ट्रैक्टर में ला रहे हो? जी जी, अभी यहाँ दूसरी कंपनियों खड़े हुए हैं तो मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्दी महिंद्रा का अटैचमेंट। हाँ महिंद्रा का अटैचमेंट आ जाएगा कुछ दिनों में, अभी क्या उसकी टेस्टिंग चल रही है हमारी। अच्छा, एक बार टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गया तो 1.5 से 2 महीने में हम महिंद्रा खुद अपना लेके आ रहे हैं। क्या है सर इसकी डीजल एवरेज, जो अपने किसान भाई अगर जानना चाहते हो तो? 6 लीटर के आसपास खाएगा ये, वो 6 लीटर आराम से, 6.75 के ऊपर ही जाएगा। अच्छा हाँ 6 से कम नहीं। हाँ भाई पावर इतनी ज्यादा है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर आप सोच रहे हो कि साहब हमें तो 50 ही यूज करना है तो भाई क्यों ले रहे हो? आप समझ रहे हैं, अगर आपको 50 हॉर्स पावर यूज करनी है
तो आप इसको मत लीजिए, फिर आप इसको ले लीजिए इस वाले को। आपके पास में काम है, बड़ा काम है, उस कंडीशन में तो इसकी भाई वर्थ है। अदरवाइज फालतू में कोई मतलब नहीं कि आप 13-14 लाख रुपए खर्च भी करो, फिर मजा भी नहीं आया, मजा भी ना आया। काफी ज्यादा इसमें तो इम्प्लीमेंट से जोड़ रखे हैं, यो क्या सिस्टम दे दिया भाई ऊपर ही। ये क्या चीज है सर, इसमें AGR भी है, टर्बो भी, दोनों भी है। ये AGR का वही सेंसर हो गया, ठीक है। इनफैक्ट AGR और टर्बो तो और अच्छी चीज है ना, क्योंकि आपको इधर से AGR भी पावर दे रहा है, टर्बो भी आपकी पावर दे रहा है, इकोनॉमिकल भी हो गया। और अच्छा, इसमें थोड़ा नॉइस को दबाने के लिए भी वो लगा रखे फॉर्म से। ठीक है, हम बंद करते हैं, साइड से लगे लोगे ना। दो इसमें हाइड्रोलिक जैक हैं इसको रोक के रखने के लिए, बोनेट को मेहरून कलर। इसका अल्टरनेटर हो गया इधर, ये है इसकी टर्बो। इसका इंजन, इंजन की सर्विस का खर्चा इसका भी उतना ही होगा, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। बेसिकली तेल वो फिल्टर का फर्क होगा, बाकी तेल वेल तो उतना ही पड़ता होगा। ऑयल फिल्टर आ गया जी। हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, 18-20 लाख मार्केट में आ रही है, उसका भी कुछ नहीं है। महिंद्रा की गाड़ी में खर्चा होती ही नहीं, 5,000-6,000 की आपकी सर्विस करा लीजिए तो महिंद्रा में ये तो बात है, ये रख रखाव सस्ता है, जीरो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कुछ है नहीं है। उसके बाद में जैसे मर्जी आप टर्बो को चलाओ चीज़ों को। तो ये थे भाई इसके सारे फीचर्स। इसके अंदर ब्रेदर भी भाई इसमें है अलग से, ये इसका डिफरेंशियल लॉक हो गया, 75 हॉर्स पावर है और टर्बो है। 13.5 लाख का भाई है ये। अगर आप भी बड़े जमींदार हैं तो इसकी तरफ जरूर एक बार जाके देखो कैसी क्या कहानी है इसकी भाई। रियल में तो इतना ऊंचा है ना यार ये, ठीक रहे हो। तो कैसा लगा भाई आपको रिव्यू इसका, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और बाकी सारी बातें तो बताई दी हैं, डीजल एवरेज वगैरह और प्राइस वगैरह, बस यही होता है, HP वगैरह सब कुछ बताई दिया है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। इसकी आपको एक बार साउंड सुना देते हैं, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है भाई। ये बड़ा सिस्टम बढ़िया लगता है यार, देखो ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो IQ ऑप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।